फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही अच्छी और प्यारी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं और आप सबको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने। तो फ्रेंड्स एकदम गर्मियों में ठंडक देने वाली इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। एकदम इजी तरीके से ये रेसिपी बन जाती है और इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको प्योर सत्तू चाहिए चने का, या फिर अगर प्योर सत्तू नहीं मिल पा रहा है तो आप साबुत चना ले लीजिए। देखिए इसमें कितने सारे छिलके पड़े हुए हैं जिसे हमने अभी निकाल भी लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके साफ करेंगे। तो जहां तक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बिन डायबिटीज वाले भी बच्चे बड़े इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो चना है इसका छिलका हम निकाल रहे हैं हाथों से रगड़ रगड़ के इस तरह से। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे आप मॉर्निंग के टाइम पे इसे एक गिलास दे सकते हो। इससे क्या होता है कि भूख भी थोड़ी मिटी रहेगी और ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा होता है डायबिटीज यानी शुगर के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं इस रेसिपी को, इस जूस को। तो यहाँ चने में जो छिलके हैं उसे हम इस तरीके से कर करके निकालेंगे। जिस तरह गांव में लोग गेहूं और चावल को फटकते हैं, बहुत सारे लोग गांव से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि कैसे फटका जाता है। या मैं थाली का ही यूज कर रही हूँ, इस तरह से कर करके इस चने को साफ कर लूंगी, एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो अगर आप सत्तू मार्केट से लाते हैं तो वो इतना प्योर नहीं होता, मैं कह नहीं सकती कुछ भी, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ एकदम प्योर है। आप देख सकते हैं चना पूरी तरह से साफ हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें काले चने मतलब छिलके बिल्कुल नहीं है और ये क्लीन है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, चना एकदम फ्रेश है, बिल्कुल इसमें खराबी नहीं है कहीं से, एकदम लाइट पॉलिश जैसे चमक रहा है। तब चलते हैं फ्रेंड्स इस चने को पीसने। तो पीसने के लिए फ्रेंड्स सभी को पता है कि मतलब मिक्सी में ही इसे पीसा जा सकता है, तो इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेती हूँ मैं पहले। देखिए कितना फाइन सा ये पाउडर बनके तैयार हो गया है और बिल्कुल भी इसमें मिलावट नहीं है और आपको कलर भी दिख रहा होगा, क्योंकि जो प्योर सत्तू होता है ना चने का वो पूरी तरह से येलो कलर नहीं होता है, वो व्हाइट मतलब व्हाइटनेस उसके अंदर मिक्स होता है, तो ये इसकी पहचान होती है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। काफी ज्यादा सत्तू बन गया है, इसमें हम कई बार शरबत बना सकते हैं और आप इस पाउडर से मीठा सत्तू ड्रिंक भी बना सकते हो और नमक वाला भी। नमक वाले में बस नमक पड़ेगा और मीठे में बस शक्कर पड़ेगा, बस यही फर्क है, बाकी सारी चीजें वही पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है। आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने गिलास चाहिए आपको, उस गिलास के हिसाब से आप ले सकते हैं, तीन गिलास चार गिलास। मैं यहाँ तीन गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीन गिलास ठंडा पानी लिया है, एकदम नॉर्मल पानी नहीं लीजिएगा तो शरबत पीने में मजा नहीं आएगा। और यहाँ मैं सत्तू डाल रही हूँ, कम से कम चार से पांच चम्मच ही मुझे यहाँ डालना है सत्तू को। थोड़ा सा ये गाढ़ा रहेगा तो बढ़िया लगता है पीने में, अच्छा लगता है एकदम। तो यहाँ पे मैंने पांच चम्मच इसमें डाल दिया है। अब इसका अच्छा सा घोल बनाएंगे, इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ चम्मच की मदद से भी आप इसे घोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलाते हुए इसका प्लास्टिक निकल गया है, मैंने उसे लगा लिया है, कोई बात नहीं। तो इस कुछ इस तरीके से करके इसे हमें अच्छे से घोलना है। ये क्या होता है ना कि ये थोड़ा नीचे के साइड बैठता जाता है और ये जो सत्तू है इसे चला चला के, अगर आप इसका ड्रिंक पीते हैं तो इसे चला चला के पीजिएगा, नहीं तो ये गिलास में नीचे बैठ जाता है बहुत आसानी से। तो सारे मतलब सत्तू को हमने घोल लिया है पानी के अंदर। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा डालेंगे आधा चम्मच। अगर जीरा फ्लेवर आपको पसंद है तो ही डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आधा चम्मच काला नमक और यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा सफेद नमक और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, और क्योंकि नमक की क्वांटिटी मुझे कम लग रही है इस वजह से, तो कोई सा भी नमक डाल सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है जंजीरा पाउडर, आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई बारीक हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो जरूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज,
जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो प्याज डालती हूँ सत्तू में, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसमें हम एक नींबू निचोड़ देंगे। नींबू आप खट्टा भी अपने हिसाब से ही रखिएगा, दो तीन जितना नींबू डालना है आप डाल सकते हैं। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि नींबू पानी तो सबकी जान बन गई है, और उसमें ये सत्तू वाला शरबत तो पूछिए नहीं, सभी लोग बेहद पसंद करते हैं इस रेसिपी को, और कौन नहीं है जो इसे पीना नहीं चाहेगा। तो देखिए नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम इस तरह से चलाते हुए घोल लेंगे अच्छे से, और इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स इसे सर्व करने। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है कि मैं कब इसे पी लूं, तो फिर आप लोग भी बनाइए, पीजिए, एंजॉय करिए गर्मी में, और गर्मी में थोड़ी सी राहत आपको जरूर मिलेगी इस रेसिपी से। यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है जिसमें हम इसे सर्व कर रहे हैं। और आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत सारा आइस क्यूब डाल देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से इसे एंजॉय से पीते हैं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, आप सबसे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपका प्यार सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने देखिए सर्व कर लिया है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा नींबू रख दूंगी, जिसे नींबू कम लगेगा वो अपना निचोड़ लेगा इसमें और पी जाएगा। तो नींबू डाल दिया है हमने, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, पुदीने की पत्ती हो तो भी चलेगा, तो हरी मिर्च डाल देती हूँ हल्का सा, और ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमारा सत्तू ड्रिंक रेडी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी आप सभी को, गर्मियों में ठंडक देने वाली इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई करिएगा, और बना के फैमिली मेंबर को, बच्चों को, सबको ही लाइएगा। तो एकदम ठंडा ठंडा, मैंने आइस क्यूब नहीं डाला है, मैं पीते टाइम डाल लूंगी, आप लोग को पसंद हो तो आप मतलब डाल के पी सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, एंड आप सभी को टेक केयर एंड बाय बाय।